आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स क्या होते हैं देखते हैं मीनिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर एओए दे कंटेन रूल्स रेगुलेशंस एंड बायलॉज टू गवर्न इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड ओके तो आर्टिकल्स में क्या होते हैं एक कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे गवर्न किया जाएगा इसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस बायलॉज के कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे गवर्न किया जाए इसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन बायलॉज हैं ठीक है ठीके? और कंपनी का बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है कंपनी का बिज़नेस कैसे चलाना है और कंपनी के ऑब्जेक्ट जो हैं वो कैसे पूरे करने हैं इससे रिलेटेड इससे रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन और बायलॉज होते हैं आर्टिकल्स के अंदर मेम्बर्स हैव फुल कंट्रोल ओवर दम आर्टिकल्स के ऊपर मेम्बर्स का पूरा कंट्रोल होता है दे कैन ओल्टर दैम बाई रेजोल्यूशन वे चाहें तो आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं रेजोल्यूशन के द्वारा बट विद इन लिमिट्स डिफाइंड बाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स स्कोप एंड पावर ऑफ कंपनी लेकिन ये चेंजेस जो हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने लिमिट जो बताई हैं उसके अंतर्गत ही ये चेंजेस लाए जा सकते हैं उसके बाहर नहीं कर सकते आर्टिकल्स आर सेकेंड इन इंपॉर्टेंस आफ्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनकी इंपॉर्टेंस जो है मेमोरेंडम के बाद है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आएगा आर्टिकल्स आर सबॉर्डिनेट टू और कंट्रोल्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से सबऑर्डिनेट हैं ठीक है उसके नीचे हैं और ये उनके मेमोरेंडम द्वारा कंट्रोल भी किए जाते हैं इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिवेल्स मान लो आर्टिकल्स हैं और मेमोरेंडम है अगर कोई कोई ऐसा रूल है जिसमें क्या कहते हैं जिस जिसके रिगार्डिंग आर्टिकल और मेमोरेंडम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है तो उस कंडीशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की मानी जाएगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कहा गया है वह माना जाएगा इन केस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज एम्बिगुअस और साइलेंट ऑन एन इशू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व अगर किसी स्थिति में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुछ नहीं कहता है किसी इशू के बारे में या फिर एम्बिगुअस है कोई क्लियर स्थिति नहीं बताता है उस कंडीशन में आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता है उस इशू को सॉल्व करने के लिए तो हो गया मीनिंग अब डेफिनेशन देख लेते हैं कंपनी लॉ में क्या दी हुई है सेक्शन टू क्लॉज फाइव में डेफिनेशन दी है कि आर्टिकल्स मीन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज़ ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज़ एल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ़ दिस एक्ट आर्टिकल्स का मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं जो ओरिजिनली फ्रेम्ड हैं जो शुरुआत में जो फ्रेम किए गए थे बनाए गए थे या फिर टाइम टू टाइम चेंज किए गए थे किसी पुराने कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग या फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के अकॉर्डिंग ठीक है तो ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी हुई है एक केस लॉ है ऐशवरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रिश इन नाइनटीन सॉरी इन एटीन सेवनटी फाइव एटीन सेवनटी फाइव का केस है ये इसमें लॉर्ड केन्स ने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के बारे में क्या कहा है लॉर्ड केन्स ने कहा है आर्टिकल्स प्ले सब्सिडरी पार्ट टू मेमोरेंडम आर्टिकल जो है मेमोरेंडम से सब्सिडरी पार्ट प्ले करते हैं प्राइमरी पार्ट जो है मेमोरेंडम का है आर्टिकल्स उसके सब्सिडरी उसके बाद आते हैं आर्टिकल्स एक्सेप्ट मेमोरेंडम एस चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आर्टिकल्स जो हैं उसकी मेमोरेंडम की सुप्रीपेसी को एक्सेप्ट करते हैं मेमोरेंडम को वह कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का कंपनी के बनने का फॉर्मेशन का चार्टर मानते हैं और संविधान मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं सो so, आर्टिकल्स प्रोसीड टू डिफाइन आर्टिकल्स किस किस चीज़ को डिफाइन करते हैं ड्यूटीज़ राइट्स एंड पावर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी एज बिटवीन देम सेल्व एंड कंपनी एट लार्ज तो आर्टिकल्स क्या क्या बताते हैं क्या क्या डिफाइन करते हैं जो गवर्निंग बॉडी है जो कंपनी का मैनेजमेंट देख रही है इंटरनल मैनेजमेंट देख रही है उस उसका क्या कहते हैं कंपनी से रिगार्डिंग उस गवर्निंग बॉडी और कंपनी के बीच में गवर्निंग बॉडी की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं क्या क्या राइट्स हैं क्या क्या पावर्स हैं इन चीज़ को डिफाइन करता है आर्टिकल्स और आर्टिकल्स क्या

कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो कंपनी शेयर्स द्वारा लिमिटेड है जिनमें मेंबर्स की लाइबिलिटी शेयर्स द्वारा लिमिटेड है उसमें इफ़ नॉट रजिस्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर नहीं किया जा, जाता उस कंडीशन में टेबल ए ऑफ शेड्यूल वन ऑटोमेटिकली अप्लाइज कंपनीज एक्ट में शेड्यूल वन जो है उसमें एक टेबल दी हुई है जिसका नाम है टेबल ए उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर नहीं किया जाता है तो टेबिल के सारे रूल्स आर्टिकल्स माने जाएंगे वो अपने आप ही आर्टिकल्स में इंक्लूड माने जाएंगे ठीक है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर किया जाता है उस कंडीशन में टेबल ए अप्लाइज एक्सेप्ट इन सो फार एक्सक्लूड्स बाय आर्टिकल्स इफ़ नॉट एक्सक्लूडेड आर रेगुलेशन ऑफ टेबिल आइदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन देन द रेगुलेशन ऑफ टेबल ए डीम्ड टू हैव इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल्स इसका मतलब क्या है अगर आर्टिकल्स को रजिस्टर किया जाता है उस कंडीशन में क्या होगा जैसे आर्टिकल्स हैं इनको रजिस्टर किया जाता है अगर टेबल ए का कोई प्रोविज़न मान लो कोई प्रोविज़न है प्रोविज़न ए ठीक है अगर इस प्रोविज़न को आर्टिकल जो रजिस्टर किए गए हैं उसमें एक्सक्लूड किया जाता है कि हाँ ये टेबल ए प्रोविज़न ए जो है इसको हम नहीं मानेंगे इसको निकाल दिया जा रहा है आर्टिकल से ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी या तो एक्सप्रेसली डायरेक्टली ये बात कही गई है या वाई या इनडायरेक्टली कही गई है तब तो ये जो प्रोविजन जो है जो रूल ए जो है ये अप्लाई नहीं होगा अगर ऐसा नहीं लिखा गया है आर्टिकल्स के अंदर कि इस ए को एक्सक्लूड किया गया है उस कंडीशन में ए को डीम्ड माना जाएगा माना ही जाएगा कि ये इसमें इंक्लूडेड है आर्टिकल्स के अंदर इंक्लूडेड है चाहे लिखा हो या न या नहीं लिखा हो इसके बारे में ठीक है अगर ये साफ साफ लिखा है एक्सप्रेसली या इनडायरेक्टली लिखा है कि एक्सक्लूड है तो, तो ये अप्लाई नहीं होगा वरना ये अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा आर्टिकल्स के अंदर आई होप आपके समझ में आ गया प्राइवेट कंपनी में अगर कंपनी प्राइवेट है तो उस कंडीशन में आर्टिकल्स मस्ट इनकॉर्पोरेट थ्री रेस्ट्रिक्शंस ये तीन रेस्ट्रिक्शन जरूर लिखनी जरूरी हैं प्राइवेट कंपनी के केस में ये क्या क्या है रेस्ट्रिक्ट ऑफ राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स इफ़ एनी ठीक है इसमें एक तो शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के राइट right पर रेस्ट्रिक्शन है कंपनी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखना जरूरी है और क्या लिखना जरूरी है लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स टू टू हंड्रेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी वन पर्सन कंपनी में केवल एक मेंबर होता है ये भी एक प्राइवेट कंपनी होती है वन पर्सन कंपनी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी जो है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो दो सौ हो सकते हैं और तीसरी रेस्ट्रिक्शन लिखी है प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स डिबेंचर्स एटसेट्रा तीसरी रेस्ट्रिक्शन ये है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स और डिवेंचर सब्सक्राइब करने के लिए लेने के लिए ठीक है और अनलिमिटेड कंपनी जो है ये तो हमने देख लिया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या है आर्टिकल्स मस्ट स्टेट नंबर ऑफ मेंबर्स विद विच कंपनी टू बी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के अंदर मेंबर्स का नंबर बताना जरूरी है जिसके जिसके साथ कंपनी को रजिस्टर किया गया है और इफ़ कंपनी है शेयर कैपिटल अगर इस कंपनी का शेयर कैपिटल भी है तो उस कंडीशन में आर्टिकल्स मस्ट स्टेट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच इट इज़ टू बी रजिस्टर उस केस में इसको अमाउंट भी बताना पड़ेगा कितने अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ है ठीक है तो अनलिमिटेड कंपनी के इसमें मेम्बर्स भी बताना पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कितने मेबर्स हैं और कितनी शेयर कैपिटल है अ फॉर्म आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन का क्या फॉर्म होता है ये सेक्शन सेवन के क्लोज ए में दिया है इफ़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज टू बी रजिस्टर अगर ये रजिस्टर किए जाते हैं इट मस्ट बी प्रिंटेड प्रिंट प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होना चाहिए नंबर्ड होनी चाहिए नंबरिंग होनी चाहिए सब्सक्राइबर्स से साइन होनी चाहिए और कम से कम ये सब होना चाहिए मिनिमम वन विटनेस एक विटनेस की प्रेजेंस में होना चाहिए तो ये हो गया फॉर्म अब देखते हैं पेनल्टी किस किस तरह की पेनल्टी लगती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद इफ़ फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ फाउंड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इनकॉर्पोरेशन होने के बाद अगर कोई फॉल्स झूठी या फिर इनकरेक्ट गलत इंफॉर्मेशन मिलती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उस कंडीशन में कंपनी और जो लोग इस इंफॉमेशन को देने के लिए जिम्मेदार थे द पर्सन वू मेड दैट इन्फॉर्मेशन जिन लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी तो कंपनी और वो वह लोग दे आर लाइबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन फोर फोर्टी सेवन वो है, जिम्मेदार हैं अंडर सेक्शन फोर फोर्टी सेवन के अंदर जो एक्शन दिया गया है उसके लिए ठीक है तो इसमें जो एक्शन है उसका पनिशमेंट जो मिलेगा वह दिया है फोर सेक्शन फोर फोर्टी एट में क्या पनिशमेंट है झूठी या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए इम्प्रिजनमेंट है छः महीने से दस साल के लिए सिक्स मंथ्स टू टेन ईयर्स और फाइन लग सकता है जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसका तीन गुना थ्री टाइम्स तो ये थी पेनल्टी कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिशन के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं तो आर्टिकल्स ऑफिस रूल्स और रेगुलेशन होते हैं किस किस चीज़ के बारे में रूल्स और रेगोलेशन एक तो इसमें होता है कि एक्सक्लूजन ऑफ टेबल ए होल और इन पार्ट टेबल ए जो था इसको कितना एक्सक्लूड किया गया है पूरा ही एक्सक्लूड कर दिया गया है या फिर इसके किसी पार्ट को हटाया गया है निकाला गया है एक्सक्लूड किया गया है ठीक है और अप्रूवल ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनके अप्रूवल के बारे में और कैपिटल राइट्स एंड देयर वेरिएशन कैपिटल के राइट्स उनके वेरिएशन और किस कंडीशन में शेयर को इशू किया जा सकता है इसके बारे में दिया हुआ आर्टिकल्स के अंदर शेयर्स के अलॉटमेंट के बारे में दिया हुआ था आर्टिकल्स के अंदर कॉल ऑन शेयर्स शेयर्स के अनपेड कोई अमाउंट हो अनपेड कैपिटल हो उसके लिए कोई कॉल करनी है उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है आर्टिकल्स में लीन हेल्ड बाय कंपनी अपॉन शेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अनपेड अमाउंट देयर ऑन कोई कॉल करने पर कोई अमाउंट पे नहीं किया जा रहा है उस कंडीशन में कंपनी उस शेयर पे लीन ले लेगी ठीक है तो इसके बारे में दिया है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इसके रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस कैसे शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है शेयर और ट्रांसमिट किया जा सकता है फोर फीचर ऑफ़ शेयर्स शेयर कैसे फोर फीट किया जा सकते हैं अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल को कैसे चेंज किया जा सकता है ठीक है उसमें क्या क्या चेंजेज लाए जा सकते हैं शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन कन्वर्जन ऑफ़ शेयर्स इनटू स्टॉक्स शेयर्स को स्टॉक्स में कैसे चेंज किया जा सकता है वोटिंग राइट्स एंड प्रॉक्सीज़ इसके बारे में मीटिंग्स के बारे में रूल्स रेगुलेशंस डायरेक्टर्स के बारे में उनके अपॉइंटमेंट के बारे में उनकी क्वालिफिकेशन उनके रेम्यूनोरेशन उनकी पावर्स उनकी ड्यूटीज़ ठीक है और सेक्रेटरी उसके उसकी उसका अपॉइंटमेंट उसका रेम्यनोरेशन ठीक है बोरिंग पावर्स के बारे में रूल्स रेगुलेशन डिविडेंस और रिजर्व के बारे में ऑडिट एंड अकाउंट के बारे में वाइंडिंग अप के बारे में जब कंपनी ख़त्म की जाएगी उस टाइम लिक्विडेटर की क्या क्या पावर्स हैं टू डील विद द एसेट्स ठीक है और इंडेमिनीफिकेशन मतलब कि कंपनसेशन करना हो किसी ऑफिसर ऑफिस कि उसका कोई लॉस हुआ है तो आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी कंपनी के एसेट्स से कैसे इंडेमनीफिकेशन कंपनसेशन किया जाएगा तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशन दिए होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ठीक है तो ये था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कंटेंट अब रेस्ट्रिक्शन देख लेते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या नहीं होनी चाहिए एनी प्रोविजन मस्ट नॉट कंट्रोवीन एनी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रोविजन ऑफ जनरल लॉ मतलब कि आर्टिकल्स के अंदर कोई भी प्रोविजन कोई भी रूल प्रोविजन मतलब रूल्स रेगुलेशंस होता है कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि कंपनीज एक्ट का अपोज कर रहा हो उससे कॉन्फ्लिक्ट में हो उसको कॉन्ट्रावीन कर रहा हो ठीक है ना ही कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन हो जो कि जनरल लॉ को क्या कहते हैं अपोज कर रहा हो इनको उसके कॉन्फ्लिक्ट में हो उससे कॉन्ट्रावीन कर रहा हो ठीक है एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी थिंग विच एल्टर्स और एक्सटेंड्स टर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना ही आर्टिकल्स के अंदर कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि मेमोरेंडम के टर्म्स जो हैं उसको बदला जा सके चेंज किया जा सके या फिर एक्सटेंड किया जा सके ऐसा कुछ भी आर्टिकल्स के अंदर नहीं होना चाहिए ये हो गए रेस्ट्रिक्शंस अब देख लेते हैं हम डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम के बीच में क्या क्या डिफरेंस है तो मेमोरेंडम होते हैं मेमोरेंडम फंडामेंटल कंडीशन एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर विच कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड मेमोरेंडम के अंदर फंडामेंटल कंडीशनस और ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं जिस चीज़ के लिए जिन ऑब्जेक्ट्स और फंडामेंटल कंडीशन के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है बनाई गई है आर्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी आर्टिकल्स के अंदर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ठीक है कैसे इंटरनल मैनेजमेंट होगा इससे रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन मेमोरेंडम डिटरमाइंस स्कोप एक्सटेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कंपनी मेमोरेंडम जो है वो बताता है कि कंपनी की एक्टिविटीज का क्या स्कोप है क्या एक्सटेंट है क्या ऑब्जेक्ट है और आर्टिकल्स क्या बताते हैं आर्टिकल्स बाय लॉज है विच प्रेस्क्राइब रूल्स बाई विच मैनेजमेंट इज टू बी कैरिड ऑन ये बाय लॉज बताते हैं रूल्स रेगुलेशन बताते हैं जिसके थ्रू क्या कहते हैं कंपनी का मैनेजमेंट किया जाएगा ठीक है एवरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मस्ट गेट एम ओ ए रजिस्टर्ड सॉरी एवरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मस्ट मस्ट गेट एम ओ ए रजिस्टर्ड सभी जॉइंट स्टॉक कंपनी को एम ओ ए को रजिस्टर कराना कंपलसरी है आर्टिकल्स का रजिस्ट्रेशन अवॉइड किया सकता है जरूरी नहीं है आर्टिकल्स का रजिस्ट्रेशन कराया जाए इस कंडीशन में क्या होगा टेबिले अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी वही आर्टिकल मानी जाएगी अगर कोई चेंज करना हो मेमोरेंडम में फॉर अल्ट्रेशन एक तो याद एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन लाना जरूरी है और इसको ट्राइब्यूनल के द्वारा कन्फर्म करना जरूरी है आर्टिकल्स में कोई चेंज लाने के लिए केवल स्पेशल रेजोल्यूशन काफ़ी है ट्राइब्यूनल के द्वारा उसको कन्फर्मेशन लेना कि कोई ज़रूरत नहीं है एक्ट्स डन बियॉन्ड स्कोप कैन नॉट बी रेटिफाइड अगर कोई ऐसा काम किया जाता है जो मेमोरेंडम की स्कोप से बाहर हो ठीक है तो वह रेटिफाई नहीं किया जाएगा वह मान्य नहीं किया जा सकता लेकिन अगर आर्टिकल्स की स्कोप से बाहर कोई काम किया जाता है कोई एक्ट किया जाता है वह रेटिफाई किया जाता है अगर शेयर होल्डर चाहें तो मेमोरेंडम कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज कॉन्ट्ररी टू कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम के अंदर कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रावीन कर रहा हो कॉन्ट्ररी हो या कॉन्फ्लिक्ट में हो या अपोज करता हो कंपनीज एक्ट को और आर्टिकल्स के अंदर कोई ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जो कि अपोज करता हो कॉन्ट्रावीन करता हो कॉन्फ्लिक्ट करता हो कंपनीज़ एक्ट को और मेमोरेंडम को ठीक है तो ये था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच का डिफरेंस तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमारा कंप्लीट हुआ रिविजन के लिए अगर आपको ये पी चाहिए तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा अगर इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है प्रोस्पेक्टस ये नेक्स्ट वीडियो में